जी ये इसकी फाइनल लुक है। बहुत मज़े के कोफ्ते बने हैं, मटन मसाला कोफ्ता रेसिपी। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद कौसर के साथ कोफ्ता कीमा की रेसिपी लेकर हाजिर हूँ। कोफ्ता मसाला जी, इसमें जो मैंने मसाले डाले हैं वो मैं आपको बताने लगी हूँ। 1 ब्लैक पेपर, 1/2 टेबल स्पून, और 1 गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून, और टी स्पून ही ज़ीरा स्मॉल सा, और टी स्पून रेड चिल्ली है, टी स्पून ही साल्ट है। ये मैंने इसमें ऐड कर दिए, ये मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इसे मिक्स करना। ये मसाला कोफ्ता है, मटन 1 kg मैंने मटन लिया था, मटन का कीमा लिया 1 kg, और उसमें मैं ये सारे मसाले डाल के मैं इसे मिक्स करूंगी। मैंने इसमें 2 छोटे दरमियाने साइज के प्याज डाल लिया, 1 ग्रीन चिली डाली थी जो इस तरह से मैंने मैश कर ली थी इस तरह से। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। ये 1 kg मटन का कीमा है। ये मेरी बड़ी सादी सी रेसिपी है, मैं ज्यादा मसाले नहीं यूज करती, बहुत कम करती हूँ जी। अब मैं इस तरह ही इसे मिक्स करूंगी 15-20 मिनट। मटन कोफ्ता मसाला रेसिपी है मेरी। अब इसमें थोड़ा सा हम ना ये धनिया डाल देंगे फ्रेश, आपकी मर्जी है आपने डालने डाले, वैसे खुशबू के लिए बड़ा अच्छा होता है, इसका टेस्ट बड़ा अच्छा होता है। जी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें और लाइक भी करें। चलिए मैं इसका नेक्स्ट पार्ट का आपको बाद में शेयर करती हूँ। जी मैंने ये 1/2 प्याज लिया था तो उसको मैंने इसी तरह मैश कर लिया, और 1 टेबल स्पून ही मैंने भरा हुआ जिंजर डाल लिया, 1 टेबल स्पून ही मैंने गार्लिक डाल लिया। अब इसमें जाएगा ये वाले मसाले, ये बड़ी वाली इलायची है 2, और ये साबुत थोड़ा सा गर्म मसाला, ज़्यादा नहीं, ये 2 कड़ी पत्ता है, ये इसकी खुशबू के लिए बड़ा अच्छा होता है, बहुत अच्छी इसकी फ्लेवर। और ये सारे मसाले जिस तरह मैंने कीमे में ऐड किए थे ना, ये उतनी मकदार में मसाले हैं ये सारे, ये इसमें चले गए। और ये साथ में डालूंगी, ये भी मैंने पेस्ट बना ली है टमाटर, ये 2 अदर टमाटर दरमियाने साइज के, ये मैंने पेस्ट बनाई थी, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। मसाला कोफ्ता है ना तो ये थोड़ा सा मैं टमाटर डाल दूँगी, बंद कर देंगे, कम मीडियम आंच पे कर देंगे इसे को। अब इसमें थोड़ा सा मैं दही भी डालूंगी 2 टेबल स्पून टेस्ट के लिए। फिर इसको एक मिनट के लिए ऐसे ही भून के देंगे।
अब मैं एक कप इसमें पानी ऐड करने लगी। कोफ्ते भी बेचारे कितनी देर वेटिंग लिस्ट में बैठे हुए थे, काम को बैठा लेते मसाले को। ये देखें जी, अब मैं एक एक करके इसमें डाल दिया हूँ। फ्राई भी कर सकते हैं आप इसे पहले, पर मैंने कभी फ्राई नहीं किया, पहले पहले करती थी वो ब्लैक हो जाता था इसलिए फ्राई करना छोड़ दिया। अब मेरी यही रेसिपी है। इसको कहाँ यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं जी, वो भी एडजस्ट थोड़ा ऊपर ही आ गया। अच्छा ये मैंने एडजस्ट कर दी थी साथ। अब मैं 10 मिनट के लिए ना 15-20 मिनट के लिए इसे मैंने ऐसे ही बंद रखना है, इसे फलाना नहीं, चमचा नहीं लगाना इसे जी। तो अब मैंने इस तरह कोफ्तों को ना भून लिया, जब इसका पानी ही खुश्क हो गया था ना, तो ये देखो बिल्कुल पानी इसका जो है ना सारा खुश्क हो गया, ऑयल सारा ऊपर आ गया। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा और गर्म मसाला, एक एक पीस ऑयल भी इतना कम डाला है, तो फैट फ्री था कीमा भी, पर फिर भी देखे कितना इसमें आ जाए पहला। एक कप इसमें पानी डालूंगी जो मसाला बन जाएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, और जाते जाते घंटी का बटन भी दबाएं, जिस तरह छोटे बच्चे नहीं दबा के भाग जाते थे उस तरह जी। आपका मेरे साथ रहने का शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं फाइनली शेयर करती हूँ, थैंक यू।